तो दोस्तों, रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है और अग्निपथ स्कीम का जो नोटिफिकेशन है आप सभी के सामने रैपिड बूम सबसे पहले लेकर के आ रहा है। जिस तरह से अभी आप सभी को पता ही होगा कि जो 4 साल के लिए किसी भी आर्म फोर्सेस में या फिर डिफेंस सर्विसेज में आप लोगों को जाने का एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है, तो उसी के साथ ही नोटिफिकेशन मैं लेकर के आया हूँ किस तरह से चीज़ें हैं, आप ज़रा यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बातें करूँ तो जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक आपका जो एज है वो होना चाहिए। इसी के साथ ही ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। लीव की बातें हो रही हैं, एनुअल लीव की, या फिर जो तबीयत ख़राब होने की वजह से जो चीज़ें सिक लीव जिसे कहते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जिन लोगों को यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद था, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी किसी लोगों का एक मोटिवेशन होता है आर्मी के यूनिफॉर्म कभी वर्दी पहनने का, तो इस सर्विस के दौरान आप लोगों को यूनिफॉर्म भी इशू कराया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो भी रिवॉर्ड्स होंगे, अवार्ड्स होगा, वो भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बातें करूँ तो वो भी आप सभी के सामने यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी के साथ ही 4 साल में आप लोगों को पहले साल में 30,000 रुपये मिलेंगे, इसी के साथ ही दूसरे साल 33, फिर 36,500 और फिर 40,000 के आसपास चीज़ें उभर करके दिखाई जा रही हैं। अलाउंस की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर जो डी नंबर दे रखा है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कवर के बारे में बातें करूँगा तो चीज़ें कुछ इस तरह से आप लोगों को दे रखी हैं। इसी के साथ ही टर्मिनेशन और रिलीज़ फ्रॉम द सर्विस, आप सभी को पता ही है कि 4 साल का ये है, तो 4 साल के ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों का जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो डेथ का कंपनसेशन है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। थोड़ा और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स फॉर द एग्जिस्टिंग एट द 4 ईयर्स ऑफ द सर्विसेज। तो सबसे पहला सेवानिधि पैकेज है, फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं के सर्टिफिकेट के बाद में इन लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो देखा जा रहा है। तो अगर डिफेंस में, आर्म सर्विसेज में आप लोगों को अगर अपना योगदान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, या फिर एक हमारा धर्म है, या फिर एक रोल भी है कि हमारी जो भारत माता है इसकी सेवा करने का, तो ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है, इसको ज्वाइन करिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो भी आपको 2 से 3 दिनों में दिखाई देने लग जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी जो उसके हैं वो फिलअप होने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आर्मी की बातें करूँ तो आर्मी का 28 जून से शायद इसका होने वाला है, और अगर मैं एयरफोर्स की बातें, एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो अभी आपको 2 से 3 दिन में दिखेगा, आर्मी की जो वैकेंसी है वो आपको 26 या 28 जून से नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसी के साथ ही नेवी का है वो 1 जुलाई से आप लोगों के सामने नज़र आएगा। वुमेन के लिए भी, महिलाओं के लिए भी जो नेवी में जाना चाह रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए और अपनी, अपने जो देश है इसकी सेवा करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।